दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में ई डिस्ट्रिक्ट टाइप कर सर्च करेंगे तो ये इस वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे तो उसके बाद से सिटीजन लॉगिन इस साथ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो नीचे आपको दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट यूजर आईडी। यदि आपको दोनों नहीं मालूम है तो आप पहले फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करते ही यूजर आईडी हेतु आवेदन का विवरण का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदक का नाम इंटर करना है। उसके बाद से आवेदक की जन्म तिथि यहाँ पे इंटर करना है। जिसका भी यूजर आईडी भूल गए हैं उसी का इंटर करना है। उसके बाद से जिला इंटर करना है। उसके बाद से पिन कोड इंटर करना है। उसके बाद से जिस नंबर से रजिस्टर्ड हुआ था वो नंबर इंटर करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी सब इंटर कर देता हूँ। उसके बाद से सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे आपको यूजर आईडी शो हो जाएगा, जो आपका यूजर आईडी रहेगा। उसके बाद से फिर पीछे जाएंगे और यहाँ से यूजर आईडी अपना नोट कर लेंगे। और फिर यहाँ से मुख्य पृष्ठ पे यहाँ से सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से आपको यूजर आईडी मालूम हो गया है। अब उसके बाद से पासवर्ड को खोजेंगे, उसके लिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही फॉरगेट रिसेट पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे यूजर नेम इंटर करना है, यहाँ पे यूजर का डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, उसके बाद से उसका पंजीकृत मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी सब इंटर कर देता हूँ। उसके बाद से पासवर्ड रिसेट करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे आपको शो होगा पासवर्ड सफलतापूर्वक रिसेट हो गया है, ओटीपी पंजीकृत मोबाइल पर नंबर पर भेज दिया गया है, यह 24 घंटे के लिए मान्य है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद से फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए यहाँ मुख्य पृष्ठ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से फिर सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अपना यूजर नेम इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो ओटीपी भेजा गया वो ओटीपी इंटर करेंगे। उसके बाद से ये वाला कैप्चा यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही पासवर्ड बदले का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे अपना ओटीपी इंटर करेंगे। उसके बाद से जो नया पासवर्ड आपको रखना है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। वही पासवर्ड यहाँ पे दोबारा इंटर करेंगे। उसके बाद से पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको शो होगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से ई डिस्ट्रिक्ट यूपी का यूजर आईडी और पासवर्ड पता कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।
यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।